आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जहां मुख्यमंत्री के नाम पर कमलनाथ के नाम की चर्चा जोरों से चल रही है, वहीं पार्टी में विरोध की कमी भी नहीं है। इसी के चलते आज अकाली दल बादल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव मनिंदर सिंह सिरसा ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार को चेतावनी दी है। अगर गांधी परिवार ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो ये सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा, क्योंकि 1984 सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ का नाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सिखों की हत्या करवाने का आरोप है, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने नानावती कमीशन के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था जिसमें कमलनाथ का नाम दर्ज किया गया। मगर गांधी परिवार उन सभी दोषियों को बचा ही नहीं रहा, बल्कि सिखों की हत्या में शामिल लोगों को इनाम देने में लगा हुआ है, चाहे सज्जन कुमार हो या जगदीश टाइटलर। मनिंदर सिंह सिरसा ने गांधी परिवार को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी है, सिखों से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। आइए सुनते हैं मनिंदर सिंह सिरसा को। आज आप मीडिया बंदों को इसलिए तकलीफ दी, गांधी परिवार फिर से एक बार 1984 के पीड़ितों के जख्मों पर नमक लगाने का, मिर्च लगाने का काम कर रहा है। 1984 के कातिलों को बड़े इनाम देने का, उनको बड़े तोहफे देने का काम कर रहा है। गांधी परिवार ने एक बार फिर से अपनी सिखों के प्रति घिन को, सिखों के प्रति नफरत को, सिखों के साथ अपनी दुश्मनी को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया है। गांधी परिवार कमलनाथ, जो कि 1984 के सिख कत्लेआम के दोषी हैं, जिनके ऊपर इसी स्थान जहां पे हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पवित्र शहीदी स्थान के ऊपर दो सिखों के कत्लेआम करने का दोष है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त जब ये कत्लेआम हुआ उसके बाद बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो मिस्टर सूरी थे, उन्होंने भी, संजय सूरी ने भी अपने बयानों में ये बताया कि कमलनाथ क्राउड के साथ, दंगाइयों के साथ, कत्लेआम करने वाले लोगों के साथ तीन मूर्ति भवन से होते हुए रकाबगंज तक पहुंचे। कमलनाथ बकायदा अपनी सरकारी गाड़ी में, जिसके ऊपर लाल बत्ती भी लगी थी, सफेद कुर्ते पजामे में और गाड़ी के ऊपर सरकारी झंडी भी लगी थी, उसके अंदर वो वहां पर आते हैं। 1985 के अंदर जब कमीशन सेटअप हुआ, जे रंगानाथन मिश्रा कमीशन, और उसके बाद नानावती कमीशन जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्थापित किया, इन दोनों कमीशन के आगे कमलनाथ ने इस बात को एडमिट किया कि वो यहां पर मौजूद थे। उनकी लोकेशन जो थी बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन थी, क्योंकि वहीं कत्लेआम हो रहा है और वहीं पे वो मौजूद हैं। यहां तक उस वक्त के जो कमिश्नर पुलिस थे उनके आगे जाकर भी सूरी साहब ने यह बताया कि इन्होंने कत्लेआम में इनका पूरा योगदान रहा। हमने भी 2016 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 1 अगस्त 2016 को इन दो कत्लों को लेकर
जो भारत सरकार ने SIT कॉन्स्टिट्यूट की थी, हमने उनको लिखा था आप इस केस को दोबारा से खोलिए। जो एविडेंस पड़ा हुआ है जस्टिस JD जैन और श्री DK अग्रवाल कमेटी की फाइलों में, उन फाइलों को खंगालिए। उसके अंदर सफिशिएंट एविडेंस है, जिस एविडेंस के चलते कमलनाथ को मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट किया जा सकता है और उसकी ट्रायल कराई जा सकती है 2 बेगुनाहों के खून के लिए। आज कांग्रेस की यह मानसिकता कि वो सिखों के साथ अपनी दुश्मनी को भुलाना नहीं चाहती, इसके चलते आज एक TV चैनल के ऊपर कांग्रेस के एक MLA, सीनियर MLA मिस्टर वेरका ने 2 बड़ी टिप्पणियां की। एक ये कहा, ये रोते हैं इनको रोने दो, ये रोते हैं इनको रोने दो, और दूसरा कहा अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है। हमारे पेट में दर्द नहीं हो रही, हमारे सीने में दर्द हो रही है। हमारे पेट में दर्द नहीं हो रही, हमारी आंखें नम हैं, हमारे अंदर गुस्सा है, रोष है, गांधी परिवार के खिलाफ रोष है। क्यों गांधी परिवार ने एक लकीर खींच दी, हर जगह हम सिखों के ऊपर कत्लेआम करने वाले लोगों को बचाने का काम करेंगे, सिखों के ऊपर हमला करने वाले लोगों को हमेशा से बचाएंगे, और हमारी एक दुश्मनी है इनके साथ, इसका हमेशा हम सिखों को एहसास कराएंगे। जब राहुल गांधी ये कहते हैं मेरी दादी मरी, मुझे आज तक मेरी दादी की यादें नहीं भूली, मेरे अंदर गुस्सा था मेरी दादी के मरने का, राहुल गांधी जी जिन्होंने तुम्हारी दादी को मारा उनको इस देश की सरकार ने फांसी पर लटकाया, फिर हमारे गुस्से का क्या होगा। 8,000 बेगुनाह लोगों को तुमने मरवाया और एक को भी सजा नहीं हुई, एक को भी फांसी नहीं हुई। अरे एक को फांसी होने लगी तो सारी कांग्रेस तिलमिला उठी। आज कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में जो बनाने की चर्चा हो रही है, यह चर्चा कोई छोटी नहीं है। गांधी परिवार यह संदेश देना चाहते हैं उन कातिलों को जिन्होंने दिल्ली में, बुखारो में, कानपुर में, बिदर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, यूपी के अन्य डिस्ट्रिक्टों में, हरियाणा की बहुत दर्दनाक कत्लेआम आपने सुना, परिवार का परिवार, गांव के गांव को खत्म कर दिया गया। इन सब कत्लेआम करने वालों को गांधी परिवार यह संदेश दे रहा है, डटे रहो, परवाह मत करो। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब गांधी परिवार सत्ता में आता है तब तक 1984 के कातिलों को बचाता है, और यही काम अब आके राहुल गांधी ने किया, जो उसके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया। वोट क्लब पर खड़े होके कहता है जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यही नहीं रुका, तब का प्रधानमंत्री देखिए देश को संदेश क्या दे रहा है, जुडिशरी को, पुलिस को, CBI को, दंगे मारने वाले लोगों को और पीड़ितों को क्या संदेश दे रहा है। देश का मुख्य प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है कि देश के अंदर छोटे मोटे दंगे हुए, छोटे मोटे दंगे, 8,000 लोगों का मरना छोटे मोटे दंगे हुए, और उन दंगों के अंदर कुछ लोग मारे भी गए, 8,000 लोग, कुछ लोग इसलिए मारे गए क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद लोगों में गुस्सा था। हमारे में भी गुस्सा है मेरे भाई, जो राजीव गांधी ने काम किया बचाने का, फिर सोनिया गांधी का एक दौर आता है, वही सोनिया गांधी करती हैं,
उसका दौर खत्म होता है तो आज राहुल गांधी का दौर आता है। जो उसकी दादी ने किया, जो उसके परदादा जवाहरलाल नेहरू ने किया सिखों के साथ कतलेआम दुश्मनी डालने का काम, जो उसकी दादी इंदिरा गांधी ने किया सिखों के साथ कतलेआम का दुश्मनी डालने का काम, जो उसके पिता ने किया सिखों के साथ दुश्मनी डालने का काम, जो उसकी माता ने किया सिखों के साथ दुश्मनी डालने का काम, वही आज राहुल गांधी कर रहे हैं सिखों के साथ फिर से दुश्मनी डालने का काम। बचाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है सज्जन कुमार जैसे लोगों को, टाइटलर जैसे लोगों को, डटे रहो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। ये मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा कमलनाथ को, ये सीबीआई को, जुडिशरी को, उन लोगों का संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस और गांधी परिवार कमलनाथ के साथ खड़ा है। हम गांधी परिवार को एक बात याद करना चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम शांति पसंद लोग हैं, लेकिन अगर हमारे से किसी ने दुश्मनी डाली, हम उस दुश्मनी को निभाना भी जानते हैं। और जब जब लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी डाली, मकूल जवाब दिया है हमने उस दुश्मनी का, और जवाब भी ऐसा दिया है जो इतिहास की किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है। हमारा जवाब, हम दबने वाली कौम नहीं, हम डरने वाली कौम नहीं, हमारे अंदर वो जज्बा है, तुम हजारों लोग इकट्ठे होके किसी बेगुनाह को मार सकते हो, कई बार हजार कुत्ते इकट्ठे होकर एक शेर को भी मार सकते हैं, लेकिन क्या जंगल के अंदर उस शेर का जबा जज्बा खत्म हो जाता है या उस शेर की दहक खत्म हो जाती है? इन लोगों के इस तरह से झुंड बनाकर हमारे पे कतलेआम और वार करने से ना हम कभी डरे हैं ना हम कभी डरेंगे। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे लोग सिख कौम के दुश्मन हैं, गांधी परिवार सिख कौम की दुश्मन है। हमने अपनी दुश्मनी को पहले भी निभाया है और हम अपनी दुश्मनी को आने वाले वक्त में भी निभाएंगे। ना हम कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। टाइटलर और सज्जन कुमार को फांसी के फंदे पर पचाकर छोड़ेंगे, कमलनाथ को उसकी सजा की सजा, उसके कत्लेआम की, उसके दोष की सजा दिलवाकर छोड़ेंगे। लाख कोशिश कर ले गांधी परिवार, लाख कोशिश कर ले सारी कांग्रेस, तुम जुडिशरी को काबू कर लो, तुम सीबीआई को काबू कर लो, पर तुम इनको बचा नहीं पाओगे। और जिस दिन सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग सजाए मौत के हकदार लोगों को इंसाफ, हमें इंसाफ मिलेगा और उनको सजा मिलेगी, तब मैं आज गांधी परिवार को यह याद कराना चाहता हूं, वो दिन होगा जब तुम्हारे खिलाफ भी इसी तरह फाइलें खुलेंगी। 1984 के कतलेआम का जो राज साजिश रची गई थी वो गांधी परिवार के घर पर रची गई थी। जब राजीव गांधी ने कतलेआम कराने की बात की थी तो अपने घर पर बैठकर बात की थी, और उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, गांधी फैमिली के परिवार के लोग, सोनिया गांधी और कौन लोग शामिल थे, इन सब के भी बेपर्दा होंगे, ये भी बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी, सिख कौम का जज्बा, सिख कौम के नसों में दौड़ता हुआ खून हमेशा अपने उन पूर्वजों की, जिनके चलते, जिनकी शहादतों के चलते ये देश महफूज है, हमने हमेशा उनसे सेध ली है। ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। हम आज उसको आगाह करना चाहते हैं, अगर तुमने ये घातक फैसला लिया, अगर तुमने ये मन बना लिया कि सिखों के इस आक्रोश को तुम सहने को तैयार हो, अगर तुमने ये फैसला कर लिया कि 1984 के कातिल को तुम मुख्यमंत्री बना के कातिलों को संदेश देना चाहते हो, तो फिर हमारा भी ये फैसला है, पूरे देश में और दुनिया में तुम्हारे साथ ईंट से ईंट खड़का देंगे और ऐसा जन आक्रोश पैदा करेंगे जिसके लिए जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। अपने इस फैसले की, इस भूल के लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हम छोड़ने वाले नहीं, अंत तक तुम्हें अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। ये हमारा उन शहीदों से जो 8000 बेगुनाह लोग मारे गए थे, ये हमारा उनसे वादा है और हमारा अपने गुरु के चरणों से ये वादा है, प्रण है हमारा अपने गुरु के चरणों से और प्रण है हमारा उन 8000 बेगुनाह लोगों के आत्माओं से। हम बदला लेना जानते हैं, सजाओं पे तुम्हें पचा कर छोड़ेंगे, कतलेआम करने वालों को फांसी लगवा कर छोड़ेंगे। मत हमें मजबूर करो कि हम
शांति पसंद लोग अपने गुस्से को इजहार करने के लिए मजबूर हो जाए। धरने प्रदर्शनों से अब कुछ होने वाला नहीं है। वो वक्त खत्म हो गया जब धरने प्रदर्शन किया जाते थे। अब धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब वही करेंगे जो भाषा कांग्रेस को समझ में आती है। वक्त आने पर पहले भी समझाया था हमने, पटियाला हाउस में भी हमने समझाया था कौन सी भाषा कांग्रेस को समझ में आती है, और आगे भी ये भाषा उनको समझाएंगे। अगर उनको यही भाषा समझ में आती है, अगर उनके बंद कान बंद आंखें खोलने के लिए अगर भगत सिंह को जाके कदम उठाना पड़ सकता है, तो फिर कदम उठाने से सिख कौम भी पीछे नहीं हटेगी। ये विषय आने वाले दिनों में सामने आएंगे। हमने कांग्रेस को आगाह किया है, गांधी परिवार को आगाह किया है, और सिख वही है गुरु की सच्ची दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाला वही है जो आगाह करके कहे मत करना मत करना मत करना, और फिर भी कोई करे तो फिर गुरु साहब ने कहा है शमशीर उठानी जायज है। धन्यवाद। कमलनाथ का गवाह साढ़े कोल है, मुख्तियार सिंह साढ़े कोल गवाह है कमलनाथ का।